नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डिप्लोमा का कोर्स क्या होता है। लोगों से आपने सुना होगा कई बार बात करते हुए कि उन्होंने डिप्लोमा किया है, 2 साल का डिप्लोमा किया है, 6 महीने का डिप्लोमा किया है या फिर 1 साल का डिप्लोमा किया है। ये डिप्लोमा का कोर्स होता क्या है? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको कोई चीज़ सबसे जल्दी नौकरी दिला सकती है तो वो है डिप्लोमा का कोर्स। डिप्लोमा का कोर्स करके आपको बहुत जल्दी नौकरी मिलने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिप्लोमा का कोर्स क्या है, कौन कौन सा डिप्लोमा आप कर सकते हैं और आपको कौन कौन सी नौकरी मिलेगी उसके बाद, और साथ ही जानेंगे कि इस नौकरी में आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कौन डिप्लोमा कर सकता है और कैसे इसको करना रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं कि डिप्लोमा होता क्या है। डिप्लोमा एक तरीके का टेक्निकल कोर्स है जो कि मेनली स्किल बेस्ड होता है और ये शॉर्ट टर्म बेस्ड होता है। कुछ डिप्लोमा तो आपको 3 महीने के भी देखने को मिल जाएंगे। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 9 महीने, 2 साल, 3 साल, इतना तक का कोर्स भी डिप्लोमा में होता है। अब डिप्लोमा आप किस फील्ड में करना चाहते हैं ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कंप्यूटर में डिप्लोमा कर सकते हैं और मेडिकल में डिप्लोमा कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग में कर सकते हैं और भी बहुत चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन में कर सकते हैं, बहुत से फील्ड में आप यहाँ पर डिप्लोमा कर सकते हैं। और इस डिप्लोमा के बाद में आपकी वैकेंसी भी आती है डिप्लोमा बेस्ड, जिसमें आप फॉर्म भर के जॉब को जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। दोस्तों, डिप्लोमा का मेन सेंटर जो होता है प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। आपको प्रैक्टिकली नॉलेज के बारे में बताया जाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर थ्योरेटिकली चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाती हैं और इसी कारण आपको जॉब इंटरव्यू में फ़ायदा मिलता है और जॉब में भी आप अच्छे से अपने काम को कर पाते हैं क्योंकि आपने प्रैक्टिकल सारी चीज़ें यहाँ पर सीखी हुई होती हैं। ये स्किल बेस्ड शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जो आप अपनी प्रैक्टिकल के अनुसार जिनको आप करते हैं। अब हम जानते हैं कि ये डिप्लोमा हम कब कर सकते हैं। दोस्तों, डिप्लोमा आप 8वीं के बाद से ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से डिप्लोमा में नौकरी चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम आप 10वीं के बाद ही डिप्लोमा करिए। आप जिस भी फील्ड में करना चाह रहे हैं 10वीं के बाद में ही आप डिप्लोमा करिए। हालाँकि लोग 10वीं के बाद या 12वीं के बाद डिप्लोमा करते हैं तो ही उनका एक अच्छा उनको सैलरी ऑफर होती है। अब सबसे जल्दी अगर आपको जॉब चाहिए तो आप 10वीं करिए, 10वीं के बाद में आप डिप्लोमा कर लीजिए। अब डिप्लोमा आप गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं, जैसे कि आप फिटर में डिप्लोमा कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में डिप्लोमा कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन में डिप्लोमा कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, CCC का डिप्लोमा कर सकते हैं आप, और इनसे अलग अलग जगह में आपको जॉब मिल जाएगी। जैसे कि पॉलीटेक्निक आपने किया है, पॉलीटेक्निक भी एक डिप्लोमा कोर्स है जो आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनिंग, कई चीज़ों में डिप्लोमा ऑफर करता है और इससे आपका अलग अलग विभागों में जॉब लग जाती है। जैसे गवर्नमेंट के PSUs हैं, मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना कंपनियों में भी आपकी नौकरी लग जाती है। जल निगम, सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोको पायलट, रेलवे, इसमें सब में भी आपका डिप्लोमा के बेस्ड पे वैकेंसीज आती रहती है। अब दोस्तों, बहुत से लोग डिप्लोमा ना करके डिग्री करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको जल्दी नौकरी चाहिए तो आप डिग्री ना करके डिप्लोमा करिए। डिग्री वो लोग करते हैं जिनके पास फाइनेंशियली फ्रीडम होता है और जिनको फंडिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हालांकि उनको जल्दी नौकरी पाने की जल्दी नहीं है, मगर जो लोग ऐसे हैं जिनको जल्दी नौकरी पानी है, अपने घर के चीज़ों में हाथ बटाना है और जिनके पास पैसे भी कम हैं उनकी पढ़ाई में लगाने के लिए, उनको यहाँ पर डिप्लोमा ही करना चाहिए क्योंकि डिप्लोमा करने के बाद आपको जल्दी नौकरी मिलती है। हालांकि आप डिग्री करेंगे तो उसके बाद में जो नौकरी मिलेगी वो डिप्लोमा से हमेशा आपको बड़े पोस्ट की मिलेगी, लेकिन आपको अपने घर की कंडीशन, अपनी कंडीशन, ये सारी चीज़ें आपको देख लेना है। तो डिप्लोमा आप 10वीं के बाद भी कर सकते हैं। अब किस सब्जेक्ट में डिप्लोमा करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, आप अपने अनुसार उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो 10वीं के बाद से ही आप बायोलॉजी फील्ड में जा करके बायो के सब्जेक्ट को लीजिए और बायो की ही चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको अगर बायोलॉजी में डिप्लोमा करना है, मेडिकल फील्ड में डिप्लोमा करना है, जैसे ऑप्थेलमोलॉजी का डिप्लोमा हो गया, ऑर्थोपेडिक्स का डिप्लोमा हो गया और भी चीज़ें, फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा हो गया, तो वो अगर आप मेडिकल फील्ड में करना चाहते हैं तो बायोलॉजी आपने लिया होगा तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप किसी इंजीनियरिंग फील्ड में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो 10वीं के बाद आप मैथ्स की चीज़ों को लीजिए जिससे कि आपको वहाँ पर आसानी हो। जैसे इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा करना है, सिविल में डिप्लोमा करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा करना है, तो आप मैथ्स के सब्जेक्ट को लेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर आपकी जॉब अच्छी लगेगी। अब यहाँ पर
समय ज़्यादा लगता है डिग्री करने में और डिप्लोमा करने में कम समय लगता है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है डिग्री और डिप्लोमा में। डिग्री के कोर्स में आपको थोरो नॉलेज दी जाती है, शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें विधिवत पढ़ाई जाती हैं, लेकिन डिप्लोमा में ऐसा नहीं है। डिप्लोमा में आपको वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो आपके नौकरी के दौरान काम आनी है, और बहुत ही शॉर्ट टर्म की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। जो काम आपको करना है वही चीज़ें आपको बताई जाएगी। दोस्तों ITI, पॉलीटेक्निक, फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर साइंस, CCC, DOEC, ये सारी चीज़ें डिप्लोमा के ही पार्ट है। आपने कहीं ना कहीं इनका नाम सुन रखा होगा। जैसे कि आपके डिग्री कोर्सेज अलग होते हैं, BSc हो गया, BA हो गया, BTech हो गया, BArch हो गया, IIT हो गया, ये सब सारे आपके डिग्री के कोर्सेज हैं। डिप्लोमा के कोर्सेज अलग हैं, जैसे पॉलीटेक्निक, ये कॉलेज हो गया जो आपको डिप्लोमा के कोर्सेज ऑफर कराता है। डिप्लोमा करने से आपको जल्दी नौकरी मिल जाती है। तो उम्मीद है डिप्लोमा करने के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। डिप्लोमा के फॉर्म आते रहते हैं, आप डिप्लोमा के फॉर्म चेक कर सकते हैं और उनको आप भर सकते हैं। भर करके उस कॉलेज में जा करके आप डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और उसके बाद में अलग अलग विभागों में इनकी वैकेंसी निकलती है, उन वैकेंसीज़ को आप फिलअप कर सकते हैं और वहाँ पर नौकरी पा सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कि डिप्लोमा के बाद आपको लगभग कितनी सैलरी मिलेगी। दोस्तों हम 2024 में हैं और 2024 के अकॉर्डिंग अगर आपने डिप्लोमा किया है तो मिनिमम आपको 35,000 रुपये सैलरी आपको यहां पर मिल जाएगी। 35,000 से कम आपको नहीं मिलेगी अगर आपने पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल से। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, PSU में जाते हैं, महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना, ऐसी किसी कंपनी में जाते हैं तो इससे ज़्यादा सैलरी भी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, प्राइवेट कंपनी में काम करने जाते हैं, तब भी आपको 30,000 से 35,000 रुपये तो मिनिमम गिरी से गिरी हालत में मिलेंगे ही मिलेंगे। इससे कभी भी आपको कम सैलरी नहीं मिलेगी। तो सैलरी कितनी होती है, डिप्लोमा क्या है, डिप्लोमा कौन कर सकता है, कब कर सकते हैं, डिग्री और डिप्लोमा में फ़र्क कितना है, कितनी सैलरी मिलेगी, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।